जैसे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे दो अंधों को दृष्टिदान, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय की 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो आवश्यक रूप से हमारे साथ निकाल लीजिए। इसके लिए आपको नया नियम खोलना पड़ेगा और नए नियम के अंदर आपको 20वां अध्याय की 29 से 34 आयत हमारे साथ देखनी पड़ेगी। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि इस 5 मिनट की वीडियो के द्वारा आपको पूर्ण रूप से ब्लेसिंग मिलती रहे। उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा दो अंधों को बिनाई बख्शना। जब वो यरीहू से निकल रहे थे एक भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है चिल्लाकर कहा ए खुदावन इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा के चुप रहे क्योंकि वो और भी चिल्लाकर कहने लगे ए खुदावन इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने उससे कहा ए खुदावन ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बिना हो गए और उनके पीछे हो लिए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे बरकत दे। अब देखते हैं हिंदी में दो अंधों को दृष्टिदान। 29वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक भीड़ उनके पीछे हो ली। यरीहो के अंदर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने दिखाए थे और इसके बाद वहां पर आपने देखा था कि एक माँ ने भी विनती की थी और उसने अनाप शनाप चीजें अपने बेटों के लिए मांग ली थी कि मेरे बेटों को जी आप जब आप अपने स्वर्ग का न्याय करने आओ स्वर्ग में जब ये जनता पहुंच जाए लोग पहुंच जाए तो और वहां के जब आप चेयरमैन होकर नियुक्त हो तो एक मेरा बेटा दाएं बैठना चाहिए दूसरा बाएं बैठना चाहिए। वो ये रोह की बात थी और वहीं से जब यीशु मसीह निकल रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ भी यीशु मसीह के पीछे बोली थी और तो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे हे प्रभु दाऊद की संतान हम पे दया करें। रोड के ऊपर दो अंधे भी बैठे थे और उनको पता चला कि यीशु मसीह है अपने चेलों के समेत जा रहे हैं और उसके पीछे एक बड़ी भीड़ है। जैसे उन्होंने ये सुना वो चिल्ला चिल्ला कर बड़ी जोर जोर से कहने लगे हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान हम पे दया कर। हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। 31वीं आयत में लिखा है लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। लोग बोले रे चुप हो जाओ यीशु मसीह जान लग रहे हैं यीशु मसीह जान लग रहे हैं क्यों तू मंगामा खड़ा कर रहे हो क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक है तो लोगों ने उसको बहुत चुप कराने की कोशिश की बहुत दबाने की कोशिश की कि तुम चुप रहो क्यों चिल्ला रहे हो क्यों शोर मचा रहे हो पता नहीं है यीशु मसीह जा रहे हैं। और 31वीं आयत में लिखा है लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे और भी चिल्लाकर बोले। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे लेकिन वे और डबल आवाज से चिल्लाकर बोले। लोगों ने कहा चुप हो जाओ वो चुप होने की बजाय और दुगनी आवाज से चिल्लाकर बोले हे दाऊद की संतान हम पे दया करो हे दाऊद की संतान हम पे दया करो। 32वीं आयत में लिखा तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। यीशु मसीह को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोगों से चुप कराने से चुप नहीं हो रहे हैं और बड़ी ही तेज आवाज में यीशु मसीह को पुकार रहे हैं और यीशु मसीह से किसी प्रकार की दया मांग रहे हैं। जब यीशु ने उनका इस प्रकार से चिल्लाना और पुकारना सुना तो यीशु रुक गए और कहा कि मेरे पास आओ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने यीशु से कहा उन अंधों ने यीशु से कहा
हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाए। अंधों ने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा कि हमारी आंखें खुल जाएं। आज हमको और आपको भी परमेश्वर से पुकार पुकार कर कहना है कि हमारी आंखें खुल जाए। हमारी आंखें क्यों खुल जाए? हमारी तो आंखें हैं ठीक वर्किंग कर रही है, चश्मा भी नहीं लगा रखा है। वो आंखें जो अंदर की आंखें हैं, जो इंटरनल आंखें हैं, जो हमारे अंतर मन को देखती है, जिनके खुलने से परमेश्वर दिखाई देता है, परमेश्वर का राज्य के हमें भाग दिखाई देते हैं, परमेश्वर की राज्य की समझ दिखाई देती है, हमारी वो आंखें खुल जाएं। जब हम बार 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 परमेश्वर से मांगते हैं, जैसे इन अंधों ने मांगा और लोगों ने इन्हें चुप कराना चाहा, लेकिन ये चुप नहीं हुए, बल्कि और भी दुगने जोश। इसी प्रकार से आपको भी और हमको भी दुगने जोश के साथ अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखना है। जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने इन पर दया की और रुक गए, अपने पूरे काफिले को रोक लिया कि पहले मैं इनकी सुनूंगा, चाहे कितनी ही लाखों करोड़ों परमेश्वर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंच रखी हो, लेकिन परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को एक सेकंड के लिए रोककर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यदि आपकी प्रार्थना इन अंधे की तरह होगी, आपकी प्रार्थना में ऐसी जिद होगी कि हे दाऊद की संतान हम पे दया करो, हे प्रभु मेरी संतान सुन, हे दाऊद की संतान मेरी प्रार्थना को सुन, तू नहीं सुनेगा तो मैं अपनी प्रार्थना कहां पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो तुझे सिर्फ तुझे ही अपना खुदा मानता हूँ। 34वीं आयत में लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे और यीशु के पीछे हो लिए। जब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ तो तुरंत उसकी आंखें खुल गई, और आंखें खुलते ही उन्होंने किसी प्रकार का जश्न नहीं मनाया। कहीं वो भागे भागे अपनी मम्मी पापा दीदी बीवी वाइफ बहन के पास नहीं गए कि देखो मेरी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। कुछ भी नहीं किया, चुपचाप यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हमें भी जब ब्लेसिंग मिलती है तो और हमारा भला परमेश्वर की ओर से होता है, तो हमें भी पहले परमेश्वर को थैंक्स गिविंग बोलना है, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, उसके बाद ही जश्न बनाना है। ये नहीं करना है कि हमारी आंखें खुल गई, हमें कुछ मिल गया जो मांगा था, और परमेश्वर को भूल कर लंबे समय तक जब तक कि हमारे इमरजेंसी नहीं आ जाए परमेश्वर को याद ही नहीं करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी खास मौके पर ही परमेश्वर के पास जाते हैं और फिर परमेश्वर को भूल जाते हैं वो काम होते ही, और फिर कभी साल दो साल दस साल बाद फिर परमेश्वर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, 24 आवर्स हमें परमेश्वर से कनेक्टिविटी एक रिलेशन बनाकर रखना है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे, सबको जय मसीह की।